हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिको। आप लोग देख रहे हैं रिको प्लान। आप लोगों के लिए लाया हूँ एक प्लान। इसका साइज है 30x30 ft। इधर 30, इधर 30, इधर 30, इधर भी 30 ए है। इस पूरा प्लान का एंट्री है यहाँ पर, मेन गेट है, मेन एंट्री है इधर, यहाँ पर है। आप लोग ज़रूर से एंड तक देखिएगा, मैं अच्छी तरीके से समझा दूँगा, एक एक करके मैं बोल दूँगी। इधर है एंट्री, एंट्री डोर। इस एंट्री डोर का साइज हो 5 ft। एंट्री डोर का मैं साइज रखा हूँ 5 ft। इस बालकनी, इधर है बालकनी, एक घर का बालकनी। इधर एक पिलर है, कॉलम पिलर। इस इधर साइज रखा हूँ मैं 10 ft, इधर 7 ft। ये है विंडो, ये सब है विंडो। इधर हम लिख देते हैं विंडो, WINDOW, विंडो। ये सब आप जो देख रहे हैं ये सब विंडो है। इधर हम है एंट्री कर देंगे। उसके बाद ये है बालकनी, इधर बालकनी लिख देते हैं, बालकनी BLCO बालकनी। इधर हम बैठने के लिए कुछ रख सकते हैं। इधर एक डोर है टाना वाला, इधर एक डोर है, ये है डोर। इसका इस डोर का साइज रखा हूँ मैं 4 ft। ये है वेटिंग रूम, यहाँ पर आप सोफा टीवीया रख सकते हैं। ये है वेटिंग रूम, सॉरी, वेटिंग रूम। यह है वेटिंग रूम, यहाँ पर ओपन गेट है। इस वेटिंग रूम के बाद यहाँ पर घर का डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर आप डाइनिंग टेबल रख सकते हैं खाने के लिए। यह है डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम। इस वेटिंग रूम के साइज के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं रखा हूँ 10 ft, इधर रखा हूँ मैं 8 ft। उसके बाद इस डाइनिंग हॉल का साइज रखा हूँ मैं इधर 13 ft, इधर 10 ft। उसके बाद किचन के बारे में बात कर लेते हैं। इधर रखा हूँ मैं 10 ft, इधर रखा हूँ मैं 8 ft, 8 ft। ये है किचन, किचन। यह है किचन रूम। यहाँ पर आप सेल्फ रख सकते हैं, सेल्फ बना सकते हैं। इधर आप फ्रिज रख सकते हैं, इधर गैस ओवन रख सकते हैं, इधर बेसिंगा बसा सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम टॉयलेट के बारे में। इस घर का मेन टॉयलेट है इधर, यह है बाथ टॉयलेट। बाथ भी है, टॉयलेट भी है, बाथ एंड टॉयलेट। यहाँ पर लिख देते हैं डोर, डी फॉर है डोर। ये सब डोर है, डोर सब लिख देते हैं। इधर भी डोर, इधर भी डोर, इधर डोर, इधर डोर, इधर डोर, भी डोर, सब लिख दिया, डोर 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 सब लिख दिया। उसके बाद मैं बात करता हूँ सीढ़ी के बारे में। इस पूरे सीढ़ी का साइज रखा हूँ मैं 7 ft, 7 ft, 3.5 करके। इधर है आप ऊपर चढ़ सकते हैं, इधर
यूपी आप, इधर आप कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए। इधर हम एक बाहर घर का बैग जाने के लिए गेट रखा हूँ मैं, इस गेट का साइज रखा हूँ मैं 3 फीट 3 ft 3 फीट। इधर एक डोर है, मेन डोर है घर का, सॉरी मेन डोर नहीं, बैग वाला डोर। ये है सीढ़िया, ये भी सीढ़िया। उसके बाद रूम के बारे में बात कर लेते हैं। इस घर का मैं 4 बेडरूम बनाया, 3 बड़ा बेडरूम बनाया, 1 छोटा बेडरूम बनाया। ये है छोटा बेडरूम, इधर आप सो भी सकते हैं, घर का एक्स्ट्रा सामान भी रख सकते हैं। मैं इस रूम के बारे में बात कर लेता हूँ। बेडरूम सबसे पहले लिख देता हूँ, बेडरूम आप लोगों के समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। यह है बेडरूम, ये भी बेडरूम, बेडरूम, ये भी बेडरूम। वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। बेडरूम, ये भी बेडरूम, बेडरूम। ये 3 बेडरूम का मैं साइज रखा हूँ 10 फीट 10 फीट करके, इधर 10 फीट, इधर 10 फीट, 10 फीट 10 फीट 10 फीट 10 फीट 10 फीट। घर का मेन टॉयलेट है, ये टॉयलेट बाथ एक ही पर है। और इस रूम का मैं मास्टर टॉयलेट बना हूँ, मास्टर बाथ बना रहा हूँ मैं। रूम में आने के बाद इस टॉयलेट पर जाना पड़ेगा, मतलब इस रूम का मास्टर टॉयलेट है, ये मास्टर टॉयलेट बाथ, बाथ एंड टॉयलेट। डाइनिंग का साइज तो बता दिया, टॉयलेट का साइज बता देता हूँ। इधर 7 फीट रखा हूँ मैं, इधर 4 फीट रखा हूँ मैं, इधर 6 फीट रखा हूँ मैं, इधर 7 फीट रखा हूँ मैं। और इसका बोल दिया, इसका इधर मैं एक्स्ट्रा वाला बेडरूम का बारे में साइज का बता देता हूँ आप लोगों को। इधर रखा हूँ मैं 10 फीट और इधर रखा हूँ मैं 7 फीट। सब कुछ हो गया अच्छी तरीके से। आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे वीडियो पर लाइक कर देना, कुछ बातें हो तो कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और कलम पिलर कहाँ पर बैठेंगे देना पड़ेगा आपको, मैं बता देता हूँ थोड़ी। यहाँ पर आप कलम पिलर दे सकते हैं, यहाँ पर एक लगेगा। और यहाँ पर जो सीढ़िया है ना, सीढ़िया दो साइड के पास कलम पिलर देना होगा। यहाँ पर एक कलम पिलर, यहाँ पर एक भी देना पड़ेगा, यहाँ पर ही एक भी देना पड़ेगा आपको, और यहाँ पर भी एक, यहाँ पर एक कलम पिलर, यहाँ पर एक भी कलम पिलर, यहाँ पर एक कलम पिलर, यहाँ पर एक कलम पिलर, यहाँ 4 हो गया। यहाँ पर भी एक लगेगा, 4 हो गया सब। और यहाँ पर एक कलम पिलर लगेगा, सब हो गया कलम पिलर। ये है कलम पिलर, यहाँ पर हम लेख देते हैं कलम पिलर। यहाँ पर एंट्री है, यह है बालकनी, यहाँ पर मेन डोर है घर का, यह है वेटिंग रूम, यह है डाइनिंग रूम, यह है घर का किचन, यह है बाथ एंड टॉयलेट मेन, यह है बेडरूम। यहाँ पर भी मास्टर टॉयलेट है, यहाँ पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, और घर का बैक में जाने के लिए गेट। ठीक है, इस वीडियो को मैं Part 2 बनाऊंगा, मैं 3D पिक्चर में आप लोगों को मैं इस घर को बनाकर दिखा दूंगा कंप्यूटर के माध्यम से, आप लोग ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।